हेलो क्लास फोर्थ, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर टू, ईटिंग फॉर लाइफ फूड. हैव यू एवर थिंक अबाउट इट दैट व्हाई वी ईट फूड, हम फूड क्यों खाते हैं, कभी सोचा है आपने? ओके, फूड काफ़ी डिलीशियस होता है, टेस्टी होता है, और फूड हमारे लाइफ के लिए, जीने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. और आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक बार भी फूड जो है स्किप कर देते हैं तो आपको कैसा फील होता है? बॉडी में एनर्जी रहती है क्या? एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है. अगर आप हम लोग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी अगर स्किप कर देते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उनका उसका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है. हम लोग कितनी बार मील जो है वो पूरे दिन भर में लेते हैं, मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में लंच, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, आफ्टरनून में लंच करते हैं, फिर थ्री और फोर ओ क्लॉक हम लोग स्नैक्स भी लेते हैं, फिर नाइट में डिनर करते हैं. और अगर एक बार का भी हम जो फूड है वो स्किप करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है ना. तो फूड जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है. क्या मिलता है हमें फूड से, क्यों लेते हैं हम फूड? हमें क्या देता है? एनर्जी. फूड हमें एनर्जी देता है. कोई भी काम करने के लिए इंटरनल वर्क, बॉडी इंटरनल वर्क करती है, बॉडी एक्सटर्नल वर्क करती है, यानी कि कुछ काम जो हम फिज़िकल वर्क करते हैं, कुछ मेंटल वर्क करते हैं, तो सभी के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी. और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से. ओके, तो फूड में हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? फूड के अंदर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, और वो 5 मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ, कौन से फूड में वो कॉम्पोनेंट्स जो है हमें मिलते हैं, यानी कि किसी भी एक सिंगल फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है. सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग टाइप के फूड में अवेलेबल होते हैं. ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे ईटिंग फॉर लाइफ फूड, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग एबल होंगे, क्या क्या हमें पता चलेगा, लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्कस द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड. न्यूट्रिएंट्स होता क्या है और वो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं. ओके, ग्रो फूड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इट कंटेन. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस किस फूड में कितने कितने अमाउंट में होते हैं वो हम इसमें देखेंगे. रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड रफेज. वाटर एंड रफेज जो कि न्यूट्रिएंट्स में तो काउंट नहीं होता लेकिन हमारी बैलेंस डाइट में काउंट होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो क्या इसकी इम्पॉर्टेंस होती है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. एंड डिस्क्राइब द नीड फॉर अस टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. हमारे लिए बैलेंस डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है. एंड सजेस्ट मैथड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. क्योंकि फूड इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो फूड को प्रिजर्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो वो मैथड्स जिनसे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. वी नीड फूड टू स्टे अलाइव. हमें फूड जो है वो किस लिए ज़रूरी होता है? अलाइव मीन्स ज़िंदा रहने के लिए. अगर हम 2-4 दिन भी फूड अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते. फूड एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर द बॉडी. जैसे कि आपने देखा होगा व्हीकल्स में फ्यूल की ज़रूरत होती है ना, यानी कि पेट्रोल, डीजल, CNG, उसको फिल करने के बाद ही व्हीकल्स चलते हैं. तो सेम ऐसे ही हमारा जो बॉडी है उसमें भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है. अगर फ्यूल नहीं डलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी. सो इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जो फूड है उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. किस लिए?
वर्क करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए और प्ले जो आप दिन भर खेलते हो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप खाना नहीं खाते हो और आप भूखे पेट खेल सकते हो क्या? थोड़ी देर खेलोगे और उसके बाद में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड इट गिव्स द बॉडी टू ग्रो, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो। तो जो फूड है वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में। एंड इट रिपेयर्स द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो पार्ट डैमेज होते रहते हैं उनको भी ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिपेयर करते रहते हैं। एंड इट कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी, और ये जो फूड है हमारी बॉडी को फिट बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। ओके तो ये देखिए, आप यहाँ पर पिक्चर भी देख रहे हैं, ये एक बेबी है, छोटा बेबी, और छोटा बेबी फूड ईट करने के बाद में ग्रो हो करके ये बड़ा बेबी है वो बन रहा है। यानी फूड हेल्प्स अस टू ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके तो यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड वी ईट, वो फूड जो हम लोग डिफरेंट वैरायटी के फूड्स जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमें इन सभी फूड से मिलते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडी नीड्स टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रो करने में और हेल्दी रहने में। सो वी गेट दीज न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड वी ईट, जो फूड हम खाते हैं उन्हीं फूड में हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एंड देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं? 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके वो कौन कौन से होते हैं? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके तो 5 हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फूड में अवेलेबल होता है तो ये हम लोग अभी देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले एंड डू मैनी मोर थिंग। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और किस लिए? कोई भी काम करने के लिए, खेलने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क सच एज लेबर्स नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो लोग जो हैं वो काफ़ी फिजिकल वर्क करते हैं, लाइक लेबर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, काफ़ी एनर्जी उन्हें लगानी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। और जो बच्चे जो होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन्स जो होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं उनको भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खेलते काफ़ी हैं, है ना? आप भी खेलते हो तो खेलने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं उनको भी काफ़ी सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इनको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, शुगर एंड स्टार्च। शुगर इज़ क्विकली डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी। जो शुगर होता है वो काफ़ी जल्दी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। एंड स्टार्च टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू डाइजेस्ट दैन शुगर, जबकि जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए शुगर से ज़्यादा टाइम लगता है। फ्रूट्स सच एज बनानास, ग्रेप्स, मैंगोज आर रिच इन शुगर। तो जो फ्रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, मैंगोज, ये सभी जो हैं वो शुगर इनके अंदर काफ़ी मात्रा में होती है।
एंड राइस व्हीट कॉर्न पोटैटोज पीज एंड बीन्स आर रिच इन स्टार्च। और ये जो राइस है, व्हीट है, कॉर्न है, पोटैटोज हैं, पीज बीन्स, इन सभी में क्या होता है, ये सभी स्टार्च इनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। ओके तो देखिए यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड आइटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में ही, यहाँ पर फ्रूट्स रिच इन शुगर दिया हुआ है, बनानास एंड ग्रेप्स। देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो अपनी मैम से कुछ पूछ रहा है, मैडम व्हाई डिड यू से वी शुड अवॉइड ईटिंग मैदा। तो जैसे आपके माइंड में कई बार क्वेश्चंस उठते हैं ना, और आप अपने टीचर से पूछते हो, सेम इसी तरीके से ये स्टूडेंट है, वो अपनी टीचर से पूछ रहा है कि हमें मैदा जो है वो अवॉइड क्यों करना चाहिए, हमें ज़्यादा मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो टीचर क्या बोल रही है, आट अ होल व्हीट फ्लोर कंटेन्स फाइबर्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो आटा होता है यानी कि होल व्हीट फ्लोर होता है, उसके अंदर क्या होता है, फाइबर होता है और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड मैदा जो होता है, मैदा यानी कि व्हाइट फ्लोर इज रिफाइंड, उसके अंदर कोई फाइबर नहीं होता है। एंड प्रोसीड इट स्ट्रिप्स इट ऑफ द एसेंशियल फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो होल व्हीट फ्लोर इज़ मोर न्यूट्रिएंट्स देन वाइट फ्लोर। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि पापा मम्मा, आप जब मार्केट में जाते हो और पिज़्ज़ा के लिए, बर्गर के लिए ज़िद करते हो, तो मम्मा बोलती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, क्योंकि उसको पूरी तरह से रिफाइंड करके बनाया जाता है, तो उसके अंदर कोई फाइबर नहीं होते, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो इसीलिए हमें कभी भी जो मैदा है उसको ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, स्किप करना चाहिए। ओके एंड नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स। व्हाई प्रोटीन्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, प्रोटीन्स बिल्ड आवर बॉडी एंड हेल्प इट ग्रो। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करती है और हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, दे बिल्ड आवर मसल्स, यंगर चिल्ड्रन हैव ग्रोइंग बॉडीज सो दे नीड मोर प्रोटीन्स। जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, कई बार मम्मा बोलती है ना कि बेटा दूध पी लो, नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे, लंबे नहीं हो पाओगे। तो जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जो ग्रोइंग किड्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करती है। एंड प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू हील वाउंड्स एंड डैमेज्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि अगर हमें कोई चोट लगती है, कोई हमारा पार्ट जो है वो डैमेज्ड होता है, तो जो प्रोटीन है वो उसको हील करने में जो है वो काफ़ी हेल्प करती है। तो ये प्रोटीन हमें मिलता कौन कौन से फूड आइटम्स में है, मिल्क, कर्ड, चीज़, यानी कि जो भी दूध से बने हुए आइटम्स होते हैं उनमें हमें प्रोटीन मिलता है। एंड एग्स, नट्स यानी कि जो भी हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं लाइक आलमंड्स और ग्राउंड नट, उसमें काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट मीट, फिश, बीन्स एंड लेंटिल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये इन सभी चीज़ों में जो है वो प्रोटीन काफ़ी अच्छे अमाउंट में हमें मिलता है। ओके तो अगर आपको जल्दी जल्दी से बड़ा होना है तो आपको बहुत सारा मिल्क पीना चाहिए, है ना? यस। नेक्स्ट फैट्स प्रोवाइड मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो फैट्स हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट हमें मिलता किस किस में है, बटर, घी, ऑयल एंड नट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट। तो जो बटर है, यानी कि जो मम्मा
रोटी आपको लगा करके देती है ना घी से, बटर से, और ब्रेड के बीच में आप बटर लगाते हो, ऑयल जो मम्मा सब्ज़ी बनाने में यूज़ करती हैं, नट्स, नट्स यानी कि ग्राउंड नट, आलमंड्स, आपके कैश्यू नट्स, ये जो सारे नट्स होते हैं ये भी फैट के काफ़ी अच्छे रिच सोर्स होते हैं। उसमें फैट है या नहीं वो आप कैसे पता कर सकते हो? अगर कोई ग्राउंड नट अगर आप लेंगे और उसको पेपर के ऊपर क्रश करेंगे तो आप देखेंगे वो जो पेपर है वो ऑयली हो जाएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो जो आइटम है, जो नट है, उसके अंदर काफ़ी अमाउंट में फैट भी है। ओके, तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ एवर कंज्यूमिंग टू मच फैट रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन आवर बॉडी। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट खा लेते हैं, फैट लेते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी पर जमना शुरू कर देता है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, एंड इट माइट कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आप देखते होंगे कई सारे छोटे छोटे बच्चे भी ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, यानी कि बहुत फैट उनके ऊपर जमा हो जाता है, बहुत मोटे हो जाते हैं, तो वो जो फैट है वो काफ़ी सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। सो वी शुड कंज्यूम फैट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी कि फैट हमें लेना तो चाहिए क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन हमें टू मच फैट जो है वो नहीं लेना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, यानी कि वो हमारी बॉडी में स्टोर होता जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ओबेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी जो हैं वो हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगी, है ना। तो हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में फैट को कंज्यूम करना चाहिए। ओके, तो दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विटामिंस, मिनरल्स एंड नेक्स्ट वाटर एंड रफेज। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को रीड करना है 2-3 times, और जो भी हार्ड वर्ड्स इसमें आए हैं उनको अंडरलाइन करना है। ओके, और नेक्स्ट आपको जो करना है वो ये कि 5 जो आपने न्यूट्रिएंट्स, मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े, 5 न्यूट्रिएंट्स, तो उनके पिक्चर्स आपको, फूड आइटम्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं अपने वाइट पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में, कि कौन कौन से जो फूड आइटम हैं वो प्रोटीन रिच हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, तो उनके पिक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं और उनको आपको प्रॉपरली बना के कलर भी करना है, लाइक दिस। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रूट्स रिच इन शुगर, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के फूड आइटम्स ड्रॉ करने हैं और फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरीके से आपको यहाँ पर फूड आइटम रिच इन प्रोटीन, तो इस तरीके से आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है और हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करके लर्न करने हैं। ओके, बाय बाय।